नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M32 5G versus Echo 9 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M32 5G में 6.46 इंच जबकि Echo 9 5G में 6.26 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि M32 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो M32 5G में 3 इंच जबकि Echo 9 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि M32 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो M32 5G में 0.36 इंच जबकि Echo 9 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M32 5G में 205 ग्राम जबकि Echo 9 5G में 200 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो M32 5G में TFT जबकि Echo 9 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो M32 5G में 6.5 इंचेस जबकि Echo 9 5G में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन M32 5G में 720x1600 और Echo 9 5G में 1080x2376 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M32 5G में 81.63% जबकि Echo 9 5G में 86.95% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M32 5G में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Echo 9 5G में 398 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M32 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Echo 9 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो M32 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Echo 9 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो M32 5G में Mali G57 MC3 जबकि Echo 9 5G में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M32 5G में MediaTek Dimensity 720MT6853V और Echo 9 5G में Qualcomm Snapdragon 888 Plus मिलता है। बात करें RAM की तो M32 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की रैम मिलती है, जबकि Echo 9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो M32 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Echo 9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो M32 5G में अप टू 1TB जबकि Echo 9 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो M32 5G में Android V11 जबकि Echo 9 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी M32 5G में 5000mAh जबकि Echo 9 5G में 4350mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M32 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें EQ9 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 42,990 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 46,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy M32 5G में 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें EQ9 5G की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M31s है, दूसरा OnePlus 8T 5G है, तीसरा Infinix 08i है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V20 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।